subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. साथियों पहले की सरकार में जिस तरह इस परियोजना पर काम हुआ वो एक केस स्टडी है कि कैसे जनता के पैसों को बर्बाद किया जाता है, कैसे जनता के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो अनुमान लगाया गया था कि इस पर 1200 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आज इतने वर्षों की देरी की वजह से इसकी लागत बढ़कर के 3 गुना से ज्यादा हो गई। साथियों, अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ये काम समय पर पूरा कर लिया गया होता तो आज दिल्ली में ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ और होती। अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दूसरे राज्यों से आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने दिल्ली के बीच से होकर गुजरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। वो दिल्ली में दाखिल हुए बिना ही, वहां के ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना ही बाहर से निकल जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की संख्या में काफी कमी आएगी। साथियों, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एक तरह से देखें तो ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ लिविंग की सोच को भी, ईज ऑफ ट्रैवलिंग की सोच को भी ये गति देने वाला है। मैं हरियाणा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।